मध्य प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आज से शुरुआत हो चुकी है। योजना का फॉर्म भरने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ लग रही है। इस योजना को तत्काल महिलाओं से इस योजना को लेकर बात की अनादि टीवी के संवाददाता वैभव गुप्ता ने। इस साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेकर आए हैं और इस योजना के आज से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं जहां पर लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लाभार्थी भी यहां पर पहुंच रहे हैं जिन्हें फॉर्म भरना है। इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, आंगनबाड़ी के जो अभिकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। तो आप पहले तो देखिए ये फॉर्म किस तरीके का है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म है। इसमें समग्र आईडी की जानकारी मांगी गई है, आधार नंबर, इसके साथ ही आवेदिका का नाम और कुछ शर्तें भी लिखी गई हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसी तरह के आवेदन की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहना खुद घोषणा पत्र भर देगी और खुद साइन करके दे देगी तो मैं उसे मान लूँगा। तो इसी तरह का एक फॉर्म है, केवल एक पेज का फॉर्म है। हम जानते हैं कि इस फॉर्म के लिए और किस तरह के आवेदन लग रहे हैं। आप ये फॉर्म भर रही हैं तो किस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं? सर, इसमें ना समग्र आईडी मांग, दस्तावेज में समग्र आईडी, आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगनी है इसमें, और एक छोटा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लगेगा, और ऑनलाइन भी फॉर्म भराएगा तो उसमें लाइव फ़ोटो भी लगना है। बस इतने डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स लग नहीं रहे इसमें। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा गया था बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो स्पष्ट है कि डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे हैं। अब तो 1000 रुपये मिलेंगे महीने, किस तरह से उपयोग करेंगे? बिल्कुल, उससे अपने खर्च के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छी योजना चालू करी है मंत्री जी ने, सबको स्वावलंबी बनाने के लिए, किसी के सामने वो ना कर पाए, अपने आप स्वावलंबी बनेंगे, अपने आप अपने पे खर्च करेंगे, किसी के साथ हाथ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योजना लाई गई है, नगर निगम के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। उनसे जान लेते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं नगर निगम प्रोवाइड कर रहा है। नगर निगम से KYC के लिए हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी से महिला बैठी हुई हैं, है ना, साफ़ सफाई सब हर प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे, पीने के लिए पानी और किसी प्रकार की असुविधा नहीं है यहाँ पे। तो महिलाएं यहाँ पर पहुँचे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े उसकी व्यवस्था बाकायदा नगर निगम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। कुछ और लाने माँ जी, अब तो 1000 रुपये मिलेंगे, किस तरह से उपयोग करेंगे, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर? अब घर में अपने परिवार में घर में अपने हाथ में रहेंगे तो अपने को कहीं भी जाने की किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मामा जी पैसे दे रहे हैं तो उसका उपयोग अच्छे से करेंगे अपने परिवार में। तो मामा जी को लेकर क्या कहेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे तो मामा जी से तो खुश होंगे ना, क्या कहेंगे, उनको तो अच्छा आशीर्वाद देंगे हम कि हमारे हाथ में 1000 रुपये आएंगे तो अपन किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि आज से ही फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है, लाइन लगना शुरू हो गई। कुछ और लोगों से बात करते हैं, बताएंगे 1000 रुपये मिलने के लिए जो बहना योजना का फॉर्म भर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ लोग हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं, आज से शुरुआत हुई है योजना की, 1000 रुपये मिलेंगे तो क्या कहेंगे CM शिवराज सिंह चौहान को लेकर? उनको ये योजना जो महिलाओं के लिए चलाई है और लाडली बहना का एक नाम जो दिया है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो मजदूर महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको उनकी तरफ से हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने ये योजना निकाली, इससे सभी लोगों की महिलाओं के मुंह पर एक मुस्कुराहट आई है और ये फॉर्म भरने के लिए हो सकता है एक तरह से प्रोत्साहन, उनको ये प्रोत्साहन हम देते हैं। तो चेहरों पे मुस्कुराहट है, 1000 रुपये कम नहीं होते, 1000 रुपये खाते में आएंगे तो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगी और उन्हें किसी ज़रूरत के लिए किसी भी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। और यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करते नहीं थक रही हैं। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ वैभव गुप्ता, अनादि TV, भोपाल।